ईरानी अलकुदस फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी का बयान भी सामने आ गया है और अमरीकी हमले में कत्ल होने वाले ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तंबीह देते हुए कहा है कि वालिद की मौत पर अमरीका और इसराइल को स्याह दिन देखना पड़ेगा। जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा के मौके पर उनकी साहबजादी जैनब सुलेमानी ने अपने वालिद की मौत पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए अमरीका और उसके इतिहादियों को वाज़ह पैगाम दे दिया है। जैनब सुलेमानी ने अमरीकी सदर को मुखातिब होते हुए कहा कि ट्रंप तुम ये मत समझना कि मेरे वालिद की मौत के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैनब सुलेमानी ने लबनानी हिजबुल्ला के सरबराह हसन नसरुल्ला को सलाम पेश करते हुए अपील की है कि सुलेमानी की मौत का इंतकाम लिया जाए। जैनब सुलेमानी का मजीद कहना था कि मालूम हुआ है कि नसरुल्ला की जानिब से सुलेमानी की मौत का इंतकाम भी लिया जाएगा। दूसरी जानिब लाखों ईरानियों ने कासिम सुलेमानी की मौत पर गम का इजहार करने के लिए रैली भी निकाली और तेहरान में कासिम सुलेमानी और साथियों की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की इमामत में अदा कर दी गई है। मजीद नई वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।